हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। क्या आप अभी भी उलझनों में फंसे हो? बजरंगी वर्सेस दंगल, बजरंगी भाईजान वर्सेस दंगल। तो आपको कुछ हटके न्यूज बताने वाला हूँ। वो न्यूज ये है कि अब बॉलीवुड से हॉलीवुड भी डरेगा और डर भी रहा होगा। आप सोचोगे क्यों? क्योंकि जिस तरह से बॉलीवुड फिल्में अपनी पकड़ जमा रही है चाइना में, उस तरह से हॉलीवुड फिल्मों के होश उड़े हुए होंगे। अब आप सोचोगे यार उससे क्या लेना देना चाइना में, मतलब इतनी भी तो बॉलीवुड फिल्में चल नहीं रही है, या मतलब क्या हो गया भाई। एक चीज बता दूं, लास्ट एक साल में जो चेंजेस आए हैं चाइना में बॉलीवुड फिल्मों से, वो चेंजेस ये दर्शाता है कि हॉलीवुड फिल्मों की अब खैर नहीं है। अब क्या चेंजेस आया है? दंगल रिलीज हुई 1200 करोड़ के ऊपर कलेक्शन किया अकेले चाइना में। वही उन्हें मतलब हॉलीवुड वालों को लगा भाई एक ही फिल्म है भाई, क्या टेंशन है, कौन सी इंडिया की फिल्में चलती है, वही टिपिकल बॉलीवुड नाच गाना, क्या चलेगा, आपको टेंशन नहीं, अपन बार बार फिल्म रिलीज करते गए जैसे हमेशा करते आता है चाइना में, ऐसा हॉलीवुड सोच रहे होंगे। उसके बाद सीक्रेट सुपरस्टार रिलीज हुई और उसके बाद माता खनका उनका बोलेंगे भाई ये क्या हो रहा है यार, पहली फिल्म चल गई चलो ठीक है अच्छी स्टोरी थी, दूसरी फिल्म भी चल गई, इसमें हीरो क्या था, इसमें हीरो कौन था, आमिर खान कैमियो रोल था, इतनी कैसे चल गई भैया, अच्छी स्टोरी ये भी थी सीक्रेट सुपरस्टार। अब ये बात हुई चलो ठीक है आमिर खान की फिल्में चल रही है चाइना में, हॉलीवुड वाले सोचते हैं बाकी कोई स्टार की थोड़ी चल रही है, क्यों टेंशन लेने का आपने को। अब सबसे बड़ा प्रेशर दिया है हॉलीवुड को सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान ने, और बजरंगी भाईजान भी दो दिनों में बेहतर कलेक्शंस करते हुए नजर आ रही है और कई सारी हॉलीवुड फिल्मों को परेशान कर रही है। और उसमें से एक है 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मसूरी, जो मैंने देखा वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है इमोशनल के हिसाब से देखा जाए तो, और वो फिल्मों भी टॉप मतलब टॉप 5 में नहीं आ पाई है, वहीं बजरंगी भाईजान टॉप 5 में बहुत जल्द आ जाएगी, यानी कि उससे ऊपर ही है। तो बॉलीवुड फिल्में ऊपर चल रही है, हॉलीवुड फिल्में नीचे चल रही, इवन चाइनीज फिल्में गर्ल्स 2 भी नीचे चल रही है जो साथ ही में रिलीज हुई थी कल। तो ये दर्शाता है कि बॉलीवुड फिल्मों की तो भैया चांदी चांदी हो रही है अब, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा वहां पे कमाएगी उसका सर्टेन परसेंटेज ऑफ अर्निंग इंडिया में आएगा, यानी कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को मुनाफा होगा, क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कौन से दौर से गुजरी है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। 2017 में बाहुबली 2 का हिंदी वर्जन और टाइगर जिंदा है और या फिर कुछ और फिल्में हटा दे तो क्या हुआ था बॉलीवुड का, बहुत बुरा हालत था भाई, आपको नहीं पता, ऐसी हालत थे कि भैया एग्जिबिटर्स जो थिएटर्स में फिल्में खरीद के दिखाते हो बोले भैया ताला लगा बंद कर यार, कुछ धंधा नहीं है, कोई फिल्म चली नहीं है, इतनी ज्यादा फ्लॉप फिल्में देखने को मिली। सेम सिचुएशन इस साल भी रहने की चांसेस है, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि हमारी फिल्में अब चाइना में बेहतर कमाल करने के लिए रेडी है, और उससे भी अच्छी बात है चाइना के डिस्ट्रीब्यूटर्स अब भरोसा जता रहे हैं बॉलीवुड फिल्मों पर, जो एक बहुत अच्छी बात है, यानी कि बजरंगी भाईजान धमाल करेगी ये मान के चले, कितना कमाते मुझे कोई टेंशन नहीं बजरंगी भाईजान, मैंने पहले दिन से बोला या उसके पहले से बोला है बजरंगी भाईजान कितना भी कमाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 साल बाद रिलीज हो रही है, जितना भी कमाएगी वो उतना बढ़िया होगा, और इस फिल्म का जो मैसेज है वो मैसेज बहुत ही पॉजिटिव है, और उससे बॉलीवुड की आने वाली फिल्मों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा चाइना में। मैंने यही कहा है हमेशा, अभी भी इसी पे कायम हूं, मुझे कलेक्शन वगैरह से उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बजरंगी भाईजान एक बढ़िया फिल्म है, और ऐसी फिल्म चाइना वाले देखेंगे तो उनको लगेगा कि भैया फिल्म हो तो यार बजरंगी भाईजान जैसी वरना ना हो, बोलते ना मूछे हो तो नथुलाल जैसे वरना ना हो, तो सेम वो चीज है बजरंगी भाईजान करेगी चाइना में। अब ये नहीं, यही सिलसिला नहीं रुकने वाला, बॉलीवुड सोचे चल ठीक है यार सलमान खान के भी चल गया, अब क्या टेंशन है, कौन सी ज्यादा फिल्में रिलीज होती है, क्योंकि 6 फिल्में ही अलाउड है चाइना में इंडियन फिल्म में हर साल। अब ये भी पता चलता है कि हिंदी मीडियम बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, और ये भी सुनने में आया सुल्तान भी रिलीज होने वाली है, वो सब छोड़ो थग्स ऑफ हिंदुस्तान भी रिलीज होने वाली है, जिसका 1000 करोड़ तो आप लिखा के रख लो किसी से भी कि भैया इतना कमाएगी कमाएगी, अगर फिल्म उसी दमदार रही जिस तरह से आमिर खान की फिल्में होती है तो। अब यहाँ पर ये सवाल है कि हॉलीवुड फिल्में अब, या हॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर्स या वहाँ के एक्सपर्ट बिजनेस एक्सपर्ट सोचते होंगे यार ये क्या हो रहा है वे, पिछले 1 साल से पूरा सीनारियो चेंज हो गया, हमारी फिल्मों को जो कमाना चाहिए वो इंडियन फिल्में कमा रही जो 20-25-10-15 करोड़, यानी कुछ नहीं, उतने जितना हमारी फिल्म का बजट होता है उतने में एक 3 शूट होता है सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों का, या उससे भी ज्यादा महंगे पैसे में। और एक बड़ी चीज आपको बताता हूँ, जो कलेक्शंस करती है हॉलीवुड फिल्में अपनी कंट्री से, यानी नॉर्थ अमेरिका उनके यूएसए वगैरह जो उनका मेन गढ़ है
वहां से 25 से 30% या मैक्स टू मैक्स 40% तक कलेक्शन करती है, बाकी 65 से 70% कलेक्शन उनकी फिल्मों का चाइना या बहुत अलग अलग कंट्री से आता है, उसमें से इंडिया भी एक मेजर फैक्टर है, लेकिन चाइना सबसे बड़ा मार्केट है। तो उतनी बड़ा मार्केट हॉलीवुड के हाथों से अब खिसकता थोड़ा थोड़ा जा रहा है और बॉलीवुड के हाथ में आता जाए धीरे धीरे, क्योंकि देखो दमदार फिल्म हमेशा चलती है जो कोई भी लैंग्वेज में हो, कुछ भी हो, और सेम हो रहा बजरंगी भाईजान के साथ। तो ऐसे में हॉलीवुड को भैया डर तो लगने वाला है, ताकि हमारी भी मूवी चले, क्योंकि यूएसए में कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। यूएसए एक्चुअली फिलहाल सबसे बड़ा मार्केट है मूवीज के कलेक्शन का, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है चाइना से। चाइना भी करीबन करीबन एक दो सालों के अंदर, मैं आपको दावे से कहता हूँ, चाइना सबसे बड़ा मार्केट हो जाएगा वर्ल्ड का मूवीज का। तो ये बहुत अच्छा वक्त है इंडियन फिल्मों को, इंडियन फिल्मों के लिए, और मैं भी यही चाहता हूँ कि बेहतर से बेहतर इंडियन फिल्म रिलीज हो जो आजकल बन रही है। और उम्मीद है जैसे कि ये फिल्म हिंदी मीडियम लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, इस तरह की फिल्में रिलीज होगी तो आप सोचो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भैया, बहुत चलने वाली फिल्में, आप सोच भी नहीं सकते कितनी बढ़िया भागेगी, और सीक्रेट सुपरस्टार तो एक बहुत बड़ा प्रूफ ही है उसके लिए। तो आई होप मेरे वीडियो का मकसद समझ में आएगा। तो भैया बजरंगी भाईजान दंगल के पचड़े में मत फंसो यार, उससे ज्यादा नहीं कमाए, उससे कम नहीं, छोड़ो वो सब यार, सेंसिबल ऑडियंस हो। फिलहाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारतीय फिल्मों का चाइना में बोलबाला चल रहा है और उससे हॉलीवुड वाले डरे हुए हैं, है ही नहीं, यही हो रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा कि हॉलीवुड अब बॉलीवुड से क्यों डर रहा है चाइना में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।